हेलो एवरीवन, वेलकम टू AA ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है रोज़। आज हम लोग जो है रोज़ से इम्पॉर्टेंट निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए आज की इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में जो है 30 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर से। तो आप वीडियो को देखो आनंद से, फ्री में PDF लो, फ्री में क्वेश्चन लो और घर बैठे तैयारी करो। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर सबसे पहला नंबर सवाल। और सवाल बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, ठीक है। पहला नंबर सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। पहला नंबर सवाल है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन आज्ञे द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है। यानी कि ये ही नाम है, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद नाम है और इस आज्ञे के द्वारा जो है लिखी गई कहानी कौन सी है। और ये हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, रोज़। देखो रोज़ के लिखने वाले कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, ठीक है। यानी कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन आज्ञे। याद रखना, इसको शॉर्ट कट में आज्ञे बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा दूसरा नंबर सवाल, आज्ञे मूलतः क्या है। यानी कि आज्ञे मतलब समझ रहे हो आप लोग, आज्ञे मूलतः क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, निबंधकार, उपन्यासकार और कहानीकार, व्यंग्यकार। हमारा दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है एक कहानीकार है, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, अगर आप हिंदी का और भी चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए, चैनल पे अपलोड है, आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। तीन नंबर सवाल देखिए, आज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था। आज्ञे जी ने जो है अपना जो इंटर परीक्षा है वो कहाँ से किया था। ऑप्शन ए देखिए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, या पंजाब कॉलेज से, या फोरमन कॉलेज से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है तीन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ये इन्होंने जो है इंटर पास किया था, यानी कि इंटर दिया था। यानी कि हमारा जो है यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, चौथा नंबर सवाल कहते हैं, आज्ञे जी की पहली कहानी। पहली तो समझ लो आप लोग कि आज्ञे जी का पूरा नाम याद कर लेना, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, ठीक है। तो आज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1928 और ऑप्शन डी 1932। चार का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1924 ईस्वी को आज्ञे जी ने पहली कहानी जो कब प्रकाशित की थी, 1924 ईस्वी को प्रकाशित की थी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। इसी के साथ देखिए पाँचवा नंबर सवाल। पाँचवा नंबर सवाल कहता है, माहेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। माहेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। ऑप्शन ए मालती, ऑप्शन बी लालती, ऑप्शन सी प्रभावती, ऑप्शन डी कलावती। यहां पर देखो पांच का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मालती। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ आपको, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। और अगर आप फ्री में PDF लेना चाहते हैं, अगर आप AA ऑनलाइन सॉल्यूशन से पढ़ रहे हैं और PDF लेने में दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ PDF, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिक्स नंबर सवाल देखिए, सिक्स नंबर सवाल कहता है, आज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि ये जो गैंग्रीन है ना, इस शीर्षक नाम से प्रसिद्ध कौन सी कहानी है। ऑप्शन ए देखिए, छोड़ा हुआ रास्ता, विपथगा और ये तेरे प्रतिरूप रोज। तो यहाँ पर साफ है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। ये जो गैंग्रीन शीर्षक है, यानी कि ये जो है रोज नाम से प्रसिद्ध है आज्ञे जी की। और ये क्या है जी, तो ये एक कहानी है, ये भी आप दिमाग में अटा लो, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेवन नंबर सवाल कहता है आपका, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताओगे। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, 5 वर्ष और 8 वर्ष। तो लेखक जो है ये कितने वर्षों के बाद आता है, 4 वर्षों के बाद जो है किससे मिलने आया, किससे मिलने आया, तो मालती से मिलने आया। किससे मिलने आया, मालती से मिलने आया, कितने वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर सवाल कहता है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे।
किस बीमारी का ऑपरेशन करके मालती का पति आए थे? ऑप्शन ए पथरी का, बी कैंसर का, सी गैंग्रीन का और डी इनमें से कोई नहीं। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गैंग्रीन का, गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे। सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का क्या नाम था? ऑप्शन ए योगेश्वर, माहेश्वर, राजेश्वर और परमेश्वर। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माहेश्वर। मालती के पति का नाम माहेश्वर था, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर सवाल कहता है, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 10 नंबर सवाल कहता है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? है ना, पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ के द्वारा, ठीक है, आगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए देखो, पद्मश्री और पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखो इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। देखो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा आगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता था, यानी थोड़ा सा भूल गया इसको करने के लिए, आई होप कि आपको साफ दिखता होगा। 11 नंबर सवाल देखिए, आगे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? घर में जो है किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? यहाँ पर ऑप्शन देखो, लोक बंधु, आनंद बंधु, देश बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आनंद बंधु। आनंद बंधु पत्रिका का संपादन किए थे घर से, यानी कि हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मैं बड़ा कर देता हूँ, दिख रहा होगा क्लियर आपको। अगला क्वेश्चन कहता है, आगे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? सबसे पहली कहानी आगे जी की वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए प्रभा में, बी ज्योति में, सी पत्रिका सेवा में, डी इनमें से कोई नहीं। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि पत्रिका सेवा में जो है इनकी सबसे पहली जो कहानी थी वो प्रकाशित हुई, यानी हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर सवाल कहता है, माहेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? माहेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम, केला, सेब, संतरा। माहेश्वर जो है ये आम लेकर आया था। देख लो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम चैप्टर के अंदर से पूछा, चैप्टर के अंदर से कौन क्या लेकर आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर सवाल कहता है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है? ये जो रोज कहानी है ये मतलब कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है? तो यहाँ पर 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी माहेश्वर, 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 ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर सवाल कहते हैं जी, आगे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? आगे जी ने जो है कितनी वर्ष के उम्र में कविता लिखना शुरू किया? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए 10 वर्ष के बाद जो है इन्होंने 10 वर्ष के उम्र में जो है अपना जो है कहानी लिखना शुरू किया, कविता लिखना शुरू किया। ए ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, मालती की पति क्या है जी? मालती की पति क्या है? तो आपको पता होना चाहिए मालती की पति क्या है, तो डॉक्टर है, डॉक्टर, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आ रहा ना ये पक्का 20 में पूछा गया, तो देख लेना। क्वेश्चन 17 कहता है हमारा, तार सप्तक का संपादन कौन है? तो यहां पर ध्यान से देखो, तार सप्तक का संपादन है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन आगे, यानी हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आगे किस वाद से संबंधित है? आगे जो है ये किस वाद से संबंधित है? ऑप्शन ए छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद या स्वच्छंदतावाद। तो यहाँ पर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये प्रयोगवाद से संबंधित है, बी ऑप्शन राइट होगा। एक बार फिर से, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। 19 नंबर सवाल कहते हैं, इनमें आज्ञे का नाटक कौन है? इनमें बताना है आपको आज्ञे का नाटक कौन है? ऑप्शन ए करबला, ऑप्शन बी
बकरी, ऑप्शन सी उत्तर प्रियदर्शी सिपाही की माँ। देखो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा सी उत्तर प्रियदर्शी, सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन। 20 नंबर सवाल देखो, गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है, गैंग्रीन बताना है आपको इनमें किससे संबंध है, पशु, देश, वनस्पति, बीमारी। तो आपको पता होगा यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बीमारी से, ठीक है, किससे है तो बीमारी से है। क्योंकि ये भी आप जानना कि महेश्वर जो था वो कौन था, महेश्वर जो था वो डॉक्टर था, तो डॉक्टर बीमारी से रिलेटेड तो ही रहेगा ना, तो इससे ट्रिक बैठा लो, ठीक है, ट्रिक बनाकर याद करो। अगला क्वेश्चन, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था, यानी कि मालती महेश्वर की पुत्र का संतान, उसका बेटा हो या बेटी, उसका क्या नाम था। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन टुटू, टीटी, टटू और डुड्डू। तो यहाँ पर 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी टीटी, टीटी, ठीक है, टीटी यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। देख लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी के द्वारा किसकी रचना है, नदी के दीप किसकी रचना है, ये किसकी रचना है, तो ये है आगे जी की, बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, दिख रहा होगा। 22 नंबर सवाल कहता है, आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये किस रचना पे मिला था, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। कितनी नावों में कितनी बार, इसी रचना में आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी पे मिला था, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे का जन्म हुआ था जी, आगे का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन ए 7 मार्च 1911, 18 मार्च 1912, 23 अप्रैल 1911, 25 मई 1913। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, 7 मार्च 1911 को आगे का जन्म हुआ था, ए ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, आगे के पिता का क्या नाम था, आगे के पिता का क्या नाम था, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखो, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर हीरानंद सरस्वती, डॉक्टर अभ्यानंद सरस्वती, डॉक्टर अच्युतानंद सरस्वती। तो यहाँ पर जो है 25 का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हीरानंद सरस्वती, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी पुस्तक आगे की है, यानी कि बताना है कि आगे के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन देखिए, मिट्टी की ओर, ऑप्शन बी मौत मुस्कुराई, ऑप्शन सी हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन डी ओ सदानीरा। 26 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी हरी घास पर क्षण भर, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी रचना आगे की नहीं है, बताना है कौन सी रचना आगे की नहीं है। तो यहाँ पर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी त्रिच रचना जो है आगे की नहीं है, अपने अपने अजनबी, यहाँ पर बी और ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि ए और बी सी दोनों, सॉरी वन मिनट, ये मतलब ये तीनों जो है ना ये आगे जी की है, सिर्फ डी नहीं है, ठीक है, डी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रोज कहानी की नायिका क्या है, मतलब नौ रोज कहानी की नायिका है। ओके, 28 का क्या आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है, मालती, मतलब यहाँ पे समझना है कि जो रोज कहानी है इसकी नायिका है मालती, बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। रोज कहानी के लिखने वाले कौन है, तो याद रखना आगे ही सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन आगे। ऑप्शन 29 नंबर सवाल देखो, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, मालती का चचा, मालती का मामा, मालती से दूर रिश्तेदार का भाई और मालती का पिताजी। तो यहाँ पर 29 का जो राइट आंसर होगा 29 का सी ऑप्शन, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 30 नंबर सवाल कहते हैं जी, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होता है, ये जो रोज कहानी है ये घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होता है, 4, 3, 2 और 11। 30 का जो सही आंसर होगा ना 30 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 11, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 11।
ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी कृति आज्ञा की नहीं है, कौन सी कृति आज्ञा की नहीं है। तो ऑप्शन देखो पल्लव, ऑप्शन बी कितनी नाव से कितनी बार, ऑप्शन सी सदा नीरा, और ऑप्शन डी हरे घास पर क्षण भर। तो यहाँ पर हमको जो आंसर खोजना है ना, ये हो जाएगा हमारा सी, 31 का सी, सॉरी वन मिनट, 31 का ए होगा, 31 का ए होगा, ठीक है। पल्लव ये जो है आगे की कृति नहीं है, बाकी सभी है। 32 का देखो, कौन सी कृति आगे की है, ये बताना है कि इनमें से कौन सी कृति जो है आगे की है। तो 32 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, नदी की द्वीप, नदी की द्वीप ये जो है आगे के द्वारा लिखा गया कृति है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 33 नंबर सवाल कहता है, रोज इनमें से क्या है जी, रोज इनमें से क्या है, निबंध है या कहानी है या उपन्यास का अंश है या आलोचना का अंश है। तो यहाँ पर रोज जो है ना ये है जी एक कहानी, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा, और इनके लिखने वाले हैं ही सचिदानंद हीरानंद वत्स्यान आगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए 34 नंबर सवाल स्क्रीन पर, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। तो इसके नाटककार कौन है, ऑप्शन देखो जगदीश चंद्र माथुर, आगे या जयशंकर प्रसाद, हरिसेन प्रेनी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, ये आगे जी की है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। 35 नंबर सवाल देखो, शेखर एक जीवन किस विद्या की कृति है, शेखर एक जीवन ये किस विधा की एक कृति है ना। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा निबंध, आलोचना, उपन्यास, जीवन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपन्यास है, ठीक है, किस विधा की कृति है, उपन्यास की कृति है। 35 नंबर देखो सवाल, आज्ञे की माँ का क्या नाम था। ऑप्शन बी ए देखो, शीला देवी, वैंती देवी, राधा देवी, अशकुंतलम देवी, ठीक है, शकुंतला देवी। तो यहाँ पर 36 का जो सही आंसर होगा बी होगा, वैंती देवी, बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगे। आगे का पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वत्स्यान है, बी ऑप्शन राइट होगा। और ये रहा मतलब पूरा सवाल हो चुका है। देखो एक चीज बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये रोज कहानी के लिखने वाले कौन है, ये कितना बार मतलब 2019 को भी पूछा है, 2020 को भी पूछा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, और पीछे कितने एग्जाम में पूछा गया होगा, तो इसको आप याद कर लो, ठीक है, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैस में तो पक्का ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मैं तो मतलब बोल सकता हूँ, 22, 23, 24, 25, 26, 27 किसी में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ लाइक करिए, और लाइक का टारगेट मैं आपको देता हूँ 150 लाइक का, ठीक है, 150 लाइक कंप्लीट कीजिए फटाफट से, मैं ये टारगेट को पूरा आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और सबसे पहली बात, आप अगर आपका टाइम है आपके पास तो एक बार इसको पढ़ो, ठीक है, इसको पढ़ो, और इसको पढ़ने के बाद आप मुझसे कॉन्टेक्ट करो, मैं आपको एक नंबर दूंगा, पहले आप पढ़ो। यहाँ पर लिखा है सभी बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम के लिए पीडीएफ नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड करें बिल्कुल फ्री, और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 12th को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रतिदिन बोर्ड की वीडियोस देखें। बाई इस्तेकार सर एंड अशफाक सर। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जो है YouTube में लाइव चलता है, ठीक है, इस चैनल में, और आइए आपका टेलीग्राम में एक ग्रुप है, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम में पीडीएफ दिया जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से प्यार मोहब्बत देने के लिए, थैंक यू, डेट्स ऑल। और आगे आपका आने वाला है चैप्टर नंबर 6 कल, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 रहेगा हमारा, एक लेख और एक पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू, डेट्स ऑल।